हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज एक और नई वीडियो के साथ धोलेरा अपडेट्स की। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो हर एक इन्वेस्टर का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ विजिट करने आते हैं और या जितने लोग समझना चाहते हैं कि किस तरीके का ये शहर फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे देश में, हमारे भारत में ये बनने जा रहा है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत, जब लोग यहाँ विजिट करते हैं तो विजिट करने के बाद बड़े सारे लोगों के सवाल आते हैं कि अभी तो 90% यहाँ का जो एरिया है वो बैरन है, बंजर है, लोग यहाँ रहते नहीं है, तो यहाँ कौन रहने आएगा। आज अगर हम देखें तो अहमदाबाद से भी 100 किलोमीटर दूर है। मैक्सिमम गुजरात के जितने भी बड़े महानगर हैं उनसे लगभग 100 to 200 किलोमीटर की दूरी पे धोलेरा स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है। अगर हम आज की इसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो यहाँ पर आज की डेट में कोई नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई लोग अभी रहने नहीं आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी पोजीशन नहीं दिया है। तो लोगों का सवाल आता है कि क्या गारंटी है कि यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैक्ट्रीज आएंगी, या भविष्य में यहाँ पर कोई एक्टिविटी बड़े लेवल पे होने वाली है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। आज अगर हम पूरी धोलेरा स्मार्ट सिटी की बात करें तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और एरिया के अंदर करीब आज 5% एरिया एक छोटा सा शहर बना के इन्होंने रेडी कर दिया, जिसको एक्टिवेशन एरिया भी कहा जाता है, जो टाउन प्लानिंग 2A and 4A का पार्ट है। इसमें मैक्सिमम इंडस्ट्रियल लैंड है जो गवर्नमेंट की अपने पास होल्डिंग है मैक्सिमम। आज अगर देखा जाए तो करीब 8 से 9 कंपनीज ऐसी हैं इस एक्टिवेशन एरिया के अंदर, इस छोटे से शहर के अंदर, जो भी बन चुका है, जिनको पोजीशन मिल चुका है, यानी कि इनका लैंड अलॉटमेंट हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा नाम शायद आप लोग सुनते भी होंगे और आप जानते भी हैं कि टाटा कैटेड, यानी कि टाटा केमिकल लिमिटेड, यहां पर पहली बार लिथियम आयन बैटरी को प्लान करने वाला है, मैन्युफैक्चर करने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज वहां पर लैंड फिलिंग का काम भी ये शुरू कर चुके हैं। लगभग 126 एकड़ के आसपास टाटा केमिकल को यहां पर लैंड पोजीशन मिला है। तो पहला पॉइंट, जब यहां पर टाटा केमिकल अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा, अपना स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, तो बेसिक सी बात है यहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप होगी तो सीधी सी बात यहां पर लोग आएंगे, एम्प्लॉय आएंगे तो सिटी बढ़ेगी, सिटी ग्रोथ करेगी। पहला पॉइंट जो प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसको आप समझिए। दूसरी, अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी 2 महीने पहले वेदांता ग्रुप ने भी यहां पर लगभग 700 एकर लैंड पोजीशन लिया है, लैंड का अलॉटमेंट लिया है 700 एकड़। जब कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज जब 700 एकड़ लैंड खरीद चुकी है तो कुछ ना कुछ वहां पे लगाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लैंड ले ली है, लैंड का अलॉटमेंट मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं वेदांता ग्रुप भी यहां पर एक बड़ी प्लानिंग के साथ एक्टिवेशन एरिया में कुछ ना कुछ बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। 700 एकड़ मतलब कहीं ना कहीं 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में यहां पर एम्प्लॉयमेंट वेदांता ग्रुप देने वाला है, लगभग इतना ही टाटा केमिकल अपना एम्प्लॉयमेंट देने वाला है। साथ ही साथ रिसेंटली चिरिपाल ग्रुप ने भी यहां पर लगभग 90 एकर्स के अंदर अपना लैंड फिलिंग शुरू कर दिया है एक्टिवेशन एरिया के अंदर। अब ये प्रैक्टिकली इसमें देखने लायक क्या चीज है और समझने लायक क्या चीज है, करीब 4 से 5 कंपनियां यहां पर ऑलरेडी अपना लैंड फिलिंग कर रही है। लैंड फिलिंग कर रही है, इसका मतलब यह है कि आने वाले लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर यहां पर वो अपना कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। अगर हम देखें आने वाले 2023 से लेकर के 24 और 25 यानी कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर यहां पर एयरपोर्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसका रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस भी आ चुके हैं, आप लोगों ने वॉच भी किए होंगे, नहीं तो वो सारे वीडियोस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूंगा, आप वो भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अब सोच के देखिए, जब ये कंपनी आ रही है, एयरपोर्ट वहां पर कंप्लीट होने वाला है, धोलेरा के निचले हिस्से पे सीएनजी पोर्ट ऑलरेडी उसके लिए परमिशन दी जा चुकी है, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, डीएफसी से भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो एक शहर तो बनकर के कंप्लीट हो रहा है जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से कर रही है। तो जब इंडस्ट्री आएंगी तो कहीं ना कहीं शहर में ऑटोमेटिकली ग्रोथ शुरू हो जाएगा। आज की डेट में अगर हम देखें यहां का जो लैंड का मार्केट है, जो रियल एस्टेट का मार्केट है, वो तेजी से ग्रोथ हो रहा है।
जो लैंड एक साल पहले हम 1000 पर स्क्वायर यार्ड की बात करते थे, अब धीरे धीरे वहां पर लगभग 2 से 2.5 गुना यानी कि लगभग 100% से लेकर के 200% के बीच में ग्रोथ हो रही है कंटिन्यू। तो जब कंटिन्यू यहां पर ग्रोथ हो रही है तो हम सोच सकते हैं कि आने वाला जो धोलेरा का रियल एस्टेट मार्केट है वो कितनी तेजी से यहां पर ग्रोथ होने वाला है। ये कुछ बातें थी, प्रैक्टिकल तथ्य थे जो मैंने आपको बताने थे, ये मैंने आप सभी लोगों के बीच में शेयर किए कि हमें समझना है कि सिटी कैसे बन करके तैयार होगी। बहुत दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे किसी कारणवश, अभी काफी दिनों के बाद हम आपके बीच में आए हैं। अभी कंटिन्यूटी हम करने वाले हैं, कंटिन्यू कुछ न कुछ वीडियोस हर 2-3 दिन में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बेचने के लिए, तो ये तो हर कोई कर रहा है, नहीं, धोलेरा में एक्चुअल में क्या हो रहा है और आप कैसे धोलेरा में एक सही जगह निवेश कर पाए, कम पैसे में ज्यादा लैंड खरीद पाए और सही जगह आप खरीद पाए, सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आप खरीद पाए, वो चीज हम आप सभी लोगों को गाइड करते हैं और आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं हमारे धोलेरा अपडेट्स को और पूरी टीम को मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।